लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। परिवार के दो भाई कुंदन और रवि महज 15 दिन के भीतर दोनों भाइयों की हत्या कर दी गई। ये ना सिर्फ उन्हें सुशासन पे सवाल खड़े करता है, बल्कि इन घटनाओं में नीचे बाहर रखे ना अपराधियों को जिस तरीके से संरक्षण दिया जाता है, परिवार जिस तरीके से न्याय की गुहार लगाता रहता है, ये दर्शाता है कि हमारे प्रदेश में सुशासन पूरी तरीके से समाप्त है। पूरी तरीके से अपराधियों का शासन यहाँ पर चल रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से संरक्षण देता है इन अपराधियों को। बिहार के किसी भी जिले में, किसी भी विधानसभा में, किसी भी प्रखंड, किसी भी पंचायत में चले जाए, आए दिन वहाँ पर हत्याएं हो रही, अपहरण हो रहा है, लूटमार हो रही है, डकैती हो रही है। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, व्यापारी वर्ग के लोग हों या आम गरीब बिहारी हो, आए दिन हत्याएं की जा रही है। बताइए, एक परिवार के दो बच्चों की हत्या कर दी हो, माँ पर, पिता पर क्या बीतेगी? घर का भविष्य, बुढ़ापे का सहारा, दोनों बच्चों की जिस तरीके से और वो भी इतनी निर्ममता से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। और ऐसे में परिवार के लोग जिनका नाम दे रहे, उन लोगों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होती। कुछ लोगों को यकीनन पकड़ा गया है प्रशासन के द्वारा, पर जिन लोगों के ऊपर संदेह है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं होना, भगवान ना करे, पर ये निमंत्रण है आने वाले दिनों में किसी और एक घटना के घटने का। जिस दिन परिवार के पहले सुपुत्र की ऐसी घटना घटी थी, उस वक्त अगर प्रशासन मुस्तैदी दिखाता तो शायद इनका जो दूसरा बेटा है वो बच जाता, उसकी ऐसी हत्या नहीं होती। पर आज दो हत्याएं होने के बावजूद जिस तरीके से परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई, जिस तरीके से बाकी के जो अपराधी हैं वो खुले में घूम रहे हैं, कल को अगर वो किसी और घर के तहत वे लोग मुस्लिम धर्म कबूल कर ले, क्या लगता है विकास अपराध मुद्दा छोड़कर इस बयान के पीछे इन ज्वलंत विषयों से ध्यान भटकाना है? उनके पास जवाब नहीं है ना। रवि कुंदन की हत्याओं के को लेकर, अपराधियों को पकड़ने को लेकर उनके पास कोई नीति नियत है ही नहीं। युवाओं को लेकर उनके पास कोई नीति नियत नहीं है। जो सड़क पर अपने अधिकारों की मांग करने जाते हैं उन पर लाठियां चलाई जाती है। मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले थे ना, बताइए भैया अपराध का क्या समाधान ढूंढा? सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों का उन्होंने क्या समाधान ढूंढा? युवाओं का क्या समाधान ढूंढा? बेरोजगारी का क्या समाधान ढूंढा? बताएं ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो शिक्षक सड़क पर हैं उनका इन्होंने क्या समाधान ढूंढा? जो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए कर्मचारी सड़क पर हैं उनका इन्होंने क्या समाधान ढूंढा? किसानों का की समस्या का इन्होंने क्या समाधान ढूंढा? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है तो कैसे समाज में विवाद या कैसे ध्यान भटकाया जाए? तो उसके लिए कभी राम रावण का जिक्र होता है, कभी रामचरितमानस का जिक्र होता है, कभी हिंदू मुस्लिम का जिक्र होता है। इन तमाम विवादित विषयों को उठाया जाता है ताकि बिहार के ज्वलंत विषयों को दबा के रखा जाए, ताकि आम बिहारी की आवाज, उनकी न्याय की गुहार कहीं ऊपर तक ना जाए, किसी और तक ना पहुंचे। हम लोग भी मांग करते हैं कि जो भी दोषी हो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी से कम की कोई सजा। जब तक अपराधियों को कड़ी सजा नहीं होगी, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं होगी, ये अपराध का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। अपराध को नियंत्रित करने के लिए अपराधियों को पकड़कर कड़ी से कड़ी फांसी की सजा उनको दी जानी चाहिए, ताकि किसी और परिवार का चिराग इस तरीके से उजाड़ने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। क्या लगता है सर, सुशासन खत्म है नीतीश कुमार का? भाई क्या है सुशासन की परिभाषा बताइए ना। मुख्यमंत्री जंगल राज बोलकर जंगल राज का विकल्प बनकर आए थे, यही ना बोलते थे कि 90 के दशक में लालू जी राबड़ी जी के जमाने में बड़ा खून खराबा होता है, जंगल राज मचा हुआ है, उसी का विकल्प बनकर आए थे। आज उन्हीं लोगों के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं और परिस्थिति देख लीजिए, बद से बदतर हो गई है।
90 का दशक शायद आज के युवाओं को याद भी नहीं होगा, हम जैसे युवाओं को फर्क भी नहीं पड़ता कि 90 में क्या था क्या नहीं था। पर आज मुख्यमंत्री जी आपके शासन काल में हम लोग देख रहे हैं जो कि जंगल राज से भी बदतर है। आए दिन यहाँ पर हत्याएं हो रही है खुलेआम, गला रेत कर, गोली मार कर। और कौन सा ऐसा वर्ग है, कौन सी ऐसी जाति है जिसमें हत्याएं नहीं हो रही हो? बच्चियों के साथ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, दो दो साल की बच्चियों के साथ यहाँ पे दुष्कर्म किया जा रहा है, व्यापारी वर्ग को लूटा जा रहा है। तो कौन सुरक्षित है, ये सुशासन की परिभाषा तो नहीं हो सकती ना, सिर्फ तमगा लेकर घूमने से और स्वतः अपने आप को सुशासन बाबू कहलवाने से, अपनी ही बड़ाई का ढोल पीटने से सुशासन नहीं आता। सुशासन अगर आपको देना है तो जाइए इन गरीब परिवारों से, किसी एक परिवार के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए हों जिस परिवार में हत्या हुई हो तो बताइए, किसी परिवार से ये मिलना जरूरी नहीं समझते। पीड़ित परिवार के लिए आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सबसे पहले तो भैया न्याय, सबसे पहले नहीं, जितने भी दोषी हैं, जितने भी अपराधी हैं, अपराधियों को पकड़ा जाता है, बाद में तथ्यों के अभाव में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। कितने अपराधियों को बिहार में आज तक सजा मिली है बताइए? बड़ी से बड़ी हत्याएं हो गई, किस किस की हत्या नहीं हुई भैया? धरने प्रदर्शन हुए, हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों तक मीडिया में चलता रहा, कितनों को मिली सजा? अपराधियों को पकड़ा जाता है दिखावे के लिए, दो दिन चार दिन तक ये लोग जेल में रखते हैं, उसके बाद बोलेंगे कुछ मिला नहीं, सबूत नहीं मिला, तथ्य नहीं मिले, तथ्यों के अभाव में उन लोगों को छोड़ दिया जाता है। एक अपराधी को पकड़कर आप कड़ी सजा दीजिए, फांसी पर लटकाइए उसको, उसके बाद देखिए कैसे अपराधियों में खौफ आता है, भय आता है। पर मुख्यमंत्री जी खुद संरक्षण देते हैं भैया अपराधियों को, के गिरेबान तक। लाइव न्यूज़ खबर तो पक्की है।